सोमवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी का पर्व उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद मिलाद उन नबी के पर्व को ईद मिलाद भी कहा जाता है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। सुबह 9 बजे यहाँ के हाथीपुरा स्थित मस्जिद मस्किन शाह मियाँ दरबार के दुआ पढ़ने के बाद जुलूस का आयोजन किया गया। शहर के सड़कों पर मुस्लिम समाज बंधुओं ने पत्ती फूल रसूल या रसूल के नारों का समा बांधा था। साथ ही पुलिस प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों में जुलूस मोहम्मदिया के शामिल नागरिकों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और मिठाइयां भी बांटी। काय बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे सर? बंदोबस्त 300 लोक लावलेले आहेत, त्यानंतर SRPFचे 4 बाटा आहेत आणि RCMPचे 2 बाटा आहेत। यह जुलूस नागपुरी गेट, असुरिया पेट्रोल पंप, बबीब नगर, कड़बी बाजार, इतवारा बाजार, शक्करसाथ, चांदनी चौक, पठान चौक, ताज नगर चौक, रहमत नगर चौक, सहसचिव डॉक्टर हवीज, कोषाध्यक्ष इकबाल व अन्य पदाधिकारी व अलेमा इकराम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। किती पोलिसांचा बंदोबस्त केलेला आहे सर? ईद मिलाद या निमित्त 2 हद्दीमध्ये साधारण 350 अधिकारी अमलदार आणि 2 हद्दीमध्ये 400 ते 450 अधिकारी अमलदार असा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। नागरिकांचं सहकार्य आहे। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने कायदा सुव्यवस्था संदर्भात SRPF आणि RCP आणि ट्रॅफिकचं मॅनेजमेंटसुद्धा करण्यात आलेलं आहे। अर्चना लक्ष्य, विदर्भ न्यूज, अमरावती।